वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर सतीश एसआरएस। और मैं सतीश, आज फिर संडे है और पटना में बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत सारी नई एक्टिविटी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को गंगा पथ मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा अलग अलग ब्लॉग अलग अलग वीडियो से। लेकिन मेरी आदत है, जैसे कि मैं बताया हूं, कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को अपने तरीके से दिखाना चाहता हूं। तो आज फिर आप लोगों के लिए शूट करके लाया हूं, नई चीजें हैं, उसका आनंद लें। चैनल में सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो पे कि अभी क्या काम बाकी रह गया है और क्या क्या एक्टिविटी नया पर चल रहा है, किस तेजी से काम चल रहा है, कितना रफ्तार से चल रहा है, और जो बचा हुआ काम को कितना जल्दी खत्म करना है और कितना जल्दी खत्म करने की कोशिश चल रही है, वो वीडियो दिखाऊंगा। और वीडियो के आखिरी तक बना रहेंगे और आखिरी में आपको दिखाऊंगा कि ये मरीन ड्राइव जो पहला फेज का जिसका उद्घाटन हो गया है वो कैसा दिखता है, ड्रोन की नजर से कैसा दिखता है और कैसा लग रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि पटना में भी ऐसा हो सकता है। तो वैसे आप अभी चैनल जो देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर सतीश एसआरएस, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, लिए चलता हूँ चैनल से और कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि शुरुआत में जो बचा हुआ काम हम वो दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में आपको मरीन ड्राइव जिसका उद्घाटन हो गया है वो दिखाएंगे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और लिए चलता हूँ वीडियो तक, चले कैमरे के साथ साथ आप लोग भी। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया।
सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है, तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो है भी गजब का प्रोजेक्ट है। जेपी गंगा पथवे, इसको मरीन ड्राइव के नाम से भी लोग जानते हैं, लोग काफी आनंद ले रहे हैं वीडियो देख के। वीडियो क्या कहूं मैं, ये उस पर जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, समय का बचत हो गया, तेल की बचत हो गई और जाम से निजात मिल गया, और एक तरफ गंगा जी और दूसरी तरफ शहर, क्या गजब का व्यू है, गजब का नजारा है। बचा हुआ प्रोजेक्ट भी उम्मीद है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा, जल्द ही कम्प्लीट होगा। तो जब आप दीघा से दीदारगंज तक जाएंगे, जब दीघा से दीदारगंज तक जाएंगे गंगा जी के किनारे किनारे और ड्राइव करते हुए, कल्पना नहीं कर सकते क्या खूबसूरत नजारा होगा और क्या गजब का आनंद आएगा आपको। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये चैनल अभी यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सतीश एसआरएस देख रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो लेके आएंगे, नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा यूट्यूब पे आपको मिलता रहेगा, और इस चैनल से जो भी अपडेट आएगा नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर देंगे तो मिलता रहेगा। वैसे संडे का दिन था आज, फिर तो आज संडे के दिन को क्या है कि कुछ संडे का दिन है 26 जून 2022, तो संडे का था तो आप लोगों के लिए कुछ लाना था सो लेके आया। फिर इसी तरह कुछ नया मिलेगा, कुछ नया कंटेंट होगा तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और दिखाऊंगा। वैसे भी आप इस चैनल को प्यार दुलार बहुत सारा दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें, नया कंटेंट आएगा तो इस कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।